नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडलवेर में बंगाल में हो रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मारपीट लूटपाट के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री महेंद्र सिंह जाटव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिंह जाटव ने कहा कि ममता सरकार अपनी हार को पचा नहीं पा रही है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट लूटपाट व बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य को करवा रही है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं महेंद्र जाटव, प्रदेश मंत्री भाजपा राजस्थान की ओर से अभी हाल ही में विधानसभा 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे, परिणाम आने के बाद में जिस तरह की पश्चिम बंगाल में गुंडागिर्दी, तानाशाही, लूटपाट, बलात्कार हो रहे हैं, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है और धब्बा है। ममता को अपनी हार स्वीकार नहीं हो रही है, ये तो लोकतंत्र का फैसला है। अगर ममता अपने आप में सही थी और मुख्यमंत्री होते हुए हार गई, ये बहुत ही शर्म की बात है। और मैं ममता को इस लाइव वीडियो के माध्यम से जगाना चाहता हूँ कि ममता, तेरी गुंडागिर्दी तानाशाही अब चलने वाली नहीं है। आज पूरे देश में कोने कोने में हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के, मंडल से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर के बहुत विरोध कर रहा है। ये जो लोकतंत्र में पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है, जो कि पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं के घर जलाए गए हैं और इससे ज़्यादा क्या घटना होगी, बलात्कार करके उनका वीडियो बना करके वायरल किया जा रहा है। इसमें ममता को शर्म आनी चाहिए, वो भी एक लेडीज है और ऐसी ये घटनाएं हो रही हैं, ये ममता के लिए बहुत ही धब्बा है और कलंक है। और इस घटना को देखते हुए सब जो दल हैं मौन बैठे हैं, वो भी उनको लिए शर्मनाक है, उनको शर्म करनी चाहिए। इन जो घटनाएं होती हैं इनमें तो सब दलों को बोलना चाहिए। और आज हम एक एक कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में विरोध कर रहा है ममता की। अब तानाशाही नहीं चलने वाली है, गुंडागिरी चलने वाली नहीं है। लोकतंत्र ने जवाब दिया है और आगे भी आने वाले टाइम में जवाब देगा। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी।